आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर मौजूद ऑप्शन सेटिंग्स के अबाउट और इसका क्या यूज है, इसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर मौजूद ऑप्शन सेटिंग्स के अबाउट और इसका क्या यूज है, इसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो इसके अबाउट जानने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से इसको यूज करेंगे। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम बात करेंगे सेटिंग्स के अबाउट। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास जनरल है जिसके अंदर साइट टाइटल है। यहाँ पे देखें आप साइट टाइटल जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये, और इसको मैं अगर अपडेट करता हूँ तो यहाँ से देखें यहाँ पे भी ये चेंज हो चुका है। और जस्ट एन अदर वेबसाइट, अगर मैं इस वेबसाइट को देखूँ तो यहाँ पे देखें इस टाइटल के अंदर जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो जस्ट एन अदर वेबसाइट लिखा आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ द टेक गाय, राइट। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी वेबसाइट के रेलिवेंट के, जिसके रेलिवेंट आपकी वेबसाइट है, लेट्स सपोज गार्डनिंग के रेलिवेंट वेबसाइट है। तो अब देखें, अगर अब इसको मैं रीलोड करता हूँ तो ये जो टाइटल है चेंज हो चुका है। तो इस तरह से बेसिक चीज़ें कर सकते हैं, इनको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ईमेल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकता है, नहीं कर सकता, उसको मैनेज कर सकते हैं, डेट एंड फॉर्मेट। तो ये बेसिक से ऑप्शंस हैं, इनको आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है राइटिंग का। तो राइटिंग से रेलिवेंट जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं उनकी, जैसे डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। जब हम नॉर्मली पोस्ट करते हैं और किसी भी कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते उसके लिए, तो ऑटोमेटिकली अनकैटेगराइज में चली जाती है। या आप यहां से कोई और कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी पोस्ट की कैटेगरी में सेलेक्ट ना करूं तो ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी के अंदर चली जाए, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, असाइड, चैट, गैलरी, किस तरह का, जो कि स्टैंडर्ड ही होना चाहिए क्योंकि हमारे पोस्ट स्टैंडर्ड होती है, तो स्टैंडर्ड पे ही हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पोस्ट भी है, ईमेल, ये ईमेल के कुछ सर्वर्स हैं, पोर्ट्स हैं, तो इनको भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको छेड़ें। मज़ीद ये है कि आप अपना जो है मेल का सर्वर यहाँ से अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रीडिंग का ऑप्शन, और यहाँ पे देखें ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखें, मैं अगर इसको ऑप्शन को मतलब सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एक होम पेज बनाया था, ठीक है, तो मेरा URL क्या आ रहा है, इस तरह से शो हो रहा है mailcanvas.com/home। जबकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मतलब मेरी अपनी वेबसाइट है sandansh.com, तो इसके अंदर होम पेज ऑटोमेटिकली मतलब रूट डोमेन के ऊपर ही होम पेज आ रहा है। तो आप इसको किस तरह से सेट करेंगे, आप इसको यहाँ रीडिंग सेटिंग से सेट करेंगे, स्टैटिक पेज, और जो भी पेज आप चाहते हैं कि होम पेज के ऊपर शो हो, जब भी रूट डोमेन ओपन हो तो वो पेज शो हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखें सेलेक्ट कर लेते हैं होम पेज और कोई भी पेज जो भी आप चाहें। अब मैं अगर इसको रीलोड करूँ तो यहाँ पे देखें हमारा रूट डोमेन पे ये पेज आ चुका है। जब भी कोई वेबसाइट इसको ओपन करेगा तो रूट डोमेन पे होम पेज ही शो होगा। अब इस होम पेज पे क्या है क्या नहीं है वो बाद की बात है, वो डिज़ाइनिंग के टाइम हम उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो इसको रहने दें पोस्ट पेज को, और यहाँ पे देखें ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट 10 पोस्ट, मतलब ब्लॉग के पेज के ऊपर आप कितनी पोस्ट शो करवाना चाह रहे हैं, 10। और यहाँ पे देखें और डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और इस ऑप्शन को आपने कभी भी नहीं छेड़ना, सर्च इंजन विजिबिलिटी। अगर आप इसको चेक कर दोगे तो आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं होगी, गूगल के अंदर कभी शो ही नहीं होगी जब तक आप ये ऑप्शन आपका चेक रहेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये अनचेक ही रहे। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे डिस्कशंस के, कि आप जो है डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट सेटिंग्स हैं, कमेंट की सेटिंग्स हैं, ईमेल की सेटिंग्स हैं, बिफोर अ कॉमन अपीयर, ठीक है, कमेंट मॉडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत बेसिक से ऑप्शंस हैं। अभी यहाँ पे मिस्ट्री वाला ये आइकन शो होता है, तो आप यहाँ से कोई भी आइकन चूज़ कर सकते हैं जो कि आपके भी आप पे वहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देखें ये आइकन चेंज हो चुका है। तो ये बेसिक सी सेटिंग्स है। उसके बाद मीडिया की जो भी सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे थंबनेल का साइज इतना है होगा, स्टैंडर्ड आप इसको बढ़ा और कम भी कर सकते हैं, मीडियम साइज, लार्ज साइज ये होते हैं, तो इनको आप इनका साइज बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, राइट।
और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास परमालिंक है। परमालिंक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अभी करंटली जो हमारा URL का फॉर्मेट होगा वो इस तरह से होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पोस्ट ओपन करूँ, लेट्स से हमारे पास एक पोस्ट थी, लेट्स से मैं पोस्ट ओपन कर लेता हूँ, ये वाली पोस्ट थी, इसको अगर मैं व्यू करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसका जो URL है वो इस तरह से है, मतलब डेट आ रहा है, डेट के बाद उसका परमालिंक आ रहा है जो भी उसका URL था। तो हम क्या करेंगे, इसको पोस्ट नेम पे क्लिक कर देंगे। ये सबसे क्लीन URL होता है और SEO ऑप्टिमाइज्ड URL होता है, तो हमेशा यही रखते हैं। और मेरे भी यहाँ पे देखें आप, अगर किसी भी पेज पे जाते हैं तो बिल्कुल क्लीन URL है, कोई डेट नहीं आ रही, कुछ भी नहीं शो हो रहा, तो ये एक अच्छा URL है। तो आप इसको पोस्ट नेम पे क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे। अब अगर इसको मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छा क्लीन URL हमारे पास शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्लीन URL शो हो गया। तो इसी तरह कस्टम स्ट्रक्चर भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है प्राइवेसी का, आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वो हम मैनुअल क्रिएट करेंगे और आगे चल के उसको सेट भी करेंगे, तो वो हम देखेंगे कि उसको किस तरह से करना है, तो इसकी हमें खासी ज़रूरत है नहीं। तो आई होप आपको समझ आई होगी सेटिंग के ऑप्शंस क्या हैं और इनको किस तरह से यूज़ करना है और क्या क्या यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैंने एक सर से रिसा ओवरव्यू दिया है, आगे चल के इनको हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी डैशबोर्ड का कम्प्लीट ओवरव्यू। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर चलेंगे, और वहाँ पे हम मज़ीद आगे जो है पेज बिल्डर्स के अबाउट बात करेंगे और डिटेल के अंदर हमारा रियल काम करना शुरू करेंगे, डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। जिस तरह से ये वेबसाइट है कम्प्लीटली डिज़ाइंड वेबसाइट है, सारा कुछ अच्छे तरीके से, हर चीज़ अपनी अपनी प्लेस के ऊपर यहाँ पे मौजूद है, एक अच्छे एनिमेशन के साथ सारी चीज़ें शो हो रही हैं। तो इस तरह की वेबसाइट्स हम डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, और पेज बिल्डर्स को सीखेंगे जिसके अंदर एलिमेंटर DB और WP बेकरी होगा। हमारा मेजर जो फोकस होगा वो एलिमेंटर के ऊपर होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।